स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस सीक्वेंस में, जहां पे हम डेली एनालाइज करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक्सपेक्टेड मूव और इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में। तो दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं मार्केट में नीचे की तरफ का मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूं और हमने नीचे की तरफ की पोजीशन भी बनाई थी। बट आज अगर आपने देखा हो तो मार्केट में उससे बिल्कुल विपरीत मूव हमें देखने को मिला है, और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि इसके क्या रीज़न है। हालाँकि अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं तो हमने इसमें आपको स्टॉप लॉस का लेवल दिया था, जिसमें हमने काफ़ी जल्दी हमारी पोजीशन कवर कर दी थी ताकि ज़्यादा इसमें हमें लॉस ना हो पाए। तो आज इसमें हम देख के एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे कि अब यहाँ से मार्केट का क्या मूव रह सकता है, ऑप्शन चार्ट डेटा क्या सजेस्ट कर रहे हैं और टेक्निकल इंडिकेटर क्या मूव दे रहा है। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो मार्केट को 10,400 पे एक अच्छा सपोर्ट था। मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, लेकिन जो प्रीवियस कैंडल का सपोर्ट था उसी के आसपास एक थोड़ा सा हल्का सा प्राइस रिएक्शन बना, और फिर मार्केट में अच्छा खासा ऊपर का मूव आपको देखने को मिला। हालांकि अभी भी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से, आप जैसे कि देख सकते हैं कि जो प्रीवियस कैंडल है उससे थोड़ा सा नीचे ट्रेड कर रहा है। तो जब तक मार्केट में ऊपर के लेवल का ब्रेकआउट नहीं हो जाता, मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई भी फ्रेश बुलिश पोजीशन बनानी चाहिए। हालांकि मार्केट का जो रुख है यहां से बुलिश ही बनता दिख रहा है, और उसके क्या रीज़न है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑप्शन डाटा की, तो 10,650 से 10,000 तक के ऑप्शन एक्टिविटी रेंज बनते दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऊपर की तरफ की रेंज है वो ब्रॉड हुई है, 10,500 से 10,650 हुई है, तो ऊपर की तरफ का मोमेंटम थोड़ा यहाँ बढ़ता दिख रहा है। कॉल डाटा सजेस्ट कर रहे हैं कि 10,550 तक मार्केट जा सकता है, क्योंकि उस लेवल तक यहाँ पे बुलिश पोजीशन बनी है और उसके ऊपर भी कॉल शॉर्ट कवरिंग होना चालू हो रही है। फर्दर अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रही है, स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हो रही है, जो सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट में डाउनसाइड लिमिटेड है और अपमूव यहाँ से कंटिन्यू बन सकता है। फर्दर अगर आप टेक्निकल चीज़ें देखेंगे तो CCI 100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो एक बुलिश मूव बनता है। आप देख सकते हैं कि मैकडी जो है वो अभी भी अपने स्टॉलिंग, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये स्टॉल हुआ था, तो उसी के लेवल के आसपास है। और यहाँ से अगर ब्रेक होता है तो आपको एक अच्छे गेंस ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो बड़ी वाली मैकडी है अब कन्विंसिंगली उसको रेजिस्टेंस, अब जो एक्सपोनेंशियल एवरेजेस है उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ ट्रेड कर रही है। RSI 64.32 के लेवल में है, काफ़ी कंफर्टेबल लेवल पे है, तो यहाँ से ऊपर तक 75 तक के लेवल पे वो जा सकता है। तो ऊपर की तरफ बेसिकली बुलिशनेस का इसमें मूव बन सकता है। हालांकि मैं ये सजेस्ट कर दूँ कि काफ़ी सारी छुट्टियाँ हैं, काफ़ी इसमें वॉलेटिलिटी बन सकती है बीच के दिनों में, और कोई भी न्यूज़ आ सकती है, तो इसी के लिए हमने इसमें कोई पर्टिकुलर पोजीशन नहीं बनाई है, और हम वेट करेंगे कि मार्केट किस हिसाब से ट्रेड करता है जब ये ओपन होगा। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में नीचे के लेवल जो है, 25,200 से लेके 25,400 तक, वहाँ पे फ्रेश बुलिश पोजीशन बनी है, और जो ऊपर के लेवल्स जो है वहाँ पे आपको कॉल राइटिंग होती दिख जाएगी। तो अभी भी यहाँ पे कॉल राइटिंग हो रही है, तो ऊपर के लेवल पे कंफर्मेशन हमें बैंक निफ्टी में नहीं मिल रहा। फर्दर आप देखेंगे तो जो पुट डेटा है, पुट में पुट राइटिंग हुई है, अग्रेसिव पुट राइट नहीं है लेकिन पुट राइटिंग हो रही है, जो सजेस्ट करता है स्टेबल टू बुलिश मूव। ऑप्शन एक्टिविटी रेंज अगेन 26,000-25,000 की ब्रॉड रेंज यहाँ पे बनती दिख रही है। अब देखिए, CCI ने अपनी एक्सपोनेंशियल एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया है, यहाँ फर्दर ऊपर की तरफ का रूम बनता है। मैकडी अभी कोई इसमें क्लियर कट इंडिकेशन नहीं बन रहा, चौपी सा यहाँ पे मूव बनता दिख रहा है, और मैकडी जो है बुलिश मैकडी, जो बड़ी वाली मैकडी है, आपको देखने को मिल रहा है कि उसमें भी बुलिश क्रॉस और पॉजिटिव जोन में बना है, लेकिन अभी भी एक्सपोनेंशियल एवरेज को ब्रेक करना बाकी है। RSI भी नीचे की तरफ सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऑल इन ऑल यहाँ पे चीज़ें देखें तो दोस्तों, मुझे लगता है कि 25,700 जो है बैंक निफ्टी के लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर ब्रेक होता है बैंक निफ्टी, और 10,500 के ऊपर ब्रेक होता है अगर निफ्टी, तो आपको इसमें अच्छे खासे ऊपर की तरफ के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो जब तक ये होता है हम इसमें वेट करेंगे, और जैसे ही होता है ऑप्शन चार्ट डेटा को मॉनिटर करके हम इसमें कोई भी पोजीशन लेना प्रेफर करेंगे। और एक बात आपसे मैं शेयर कर दूं कि मैं पिछले कुछ दिनों से स्टॉक्स में ट्रेड आपके साथ शेयर कर रहा था, जिसमें हम क्या करते थे कि 330 से बहुत ही नज़दीक के आसपास के टाइम में हम स्टॉक लेते हैं। फ्यूचर्स में मोस्टली हम काम करते हैं, परचेज करते हैं, और नेक्स्ट डे मार्केट जैसे ही खुलता है तो हम इसमें
नेक्स्ट मॉर्निंग में जैसे मार्केट खुलता है इमिडिएटली उसको बेच देते हैं, तो उसमें हमें काफ़ी 15-20 हज़ार रुपये का फ़ायदा हुआ है। और एक लास्ट ट्रेड था जिसमें मैं लॉस हुआ था, उसमें करीब 800-900 रुपये का लॉस हुआ है, तो उसमें अच्छा जा रहा है। और अभी भी मैं इसमें काफ़ी चीज़ें इंप्रूव करके इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को और एक्यूरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इन केस अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे 9574-3991 पर मैसेज कर सकते हैं, काफ़ी रीज़नेबल चार्ज है। आप अभी ज्वाइन करें या बाद में ज्वाइन करें, हमारा जो सिस्टम है उसके हिसाब से आपको मार्च 2018 तक की वैलिडिटी मिलेगी। अगर आप आज ज्वाइन करते हैं तो भी सेम चार्जेस रहेंगे, और मार्च के महीने के लास्ट दिन में करते हैं तो भी सेम चार्जेस रहेंगे, और उसके बाद जो है हम इसमें नई सीरीज़ लॉन्च करेंगे। तो अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें 9574-3991 पर मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें मैं शेयर करता रहता हूँ, जैसे आईपीओ के बारे में मैं रिकमेंडेशन शेयर करता हूँ। हालांकि अभी फ़िलहाल कोई आईपीओ ऐसा आया नहीं है कि इसमें मैंने रिकमेंडेशन दी हो, लेकिन एरिस लाइफ साइंस एक आईपीओ था जिसमें मैंने सजेशन दिया था, तो 303 के आसपास इसमें स्टॉक लगा था। अब ये देख लेते हैं कि उसकी क्या पोजीशन बनती दिख रही है। तो यह है एरिस लाइफ साइंस का आईपीओ, तो 766.95 पे अभी ट्रेड कर रहा है। 603 पे इसका लिस्टिंग हुआ था, 800 के आसपास जाके आया है, और मुझे लग रहा है कि इसमें और भी ऊपर की तरफ के मूव आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। तो अभी मैं इक्विटी में लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेड के लिए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेड के लिए कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं उसके बारे में भी जो मेरी पिक्स है मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर करना शुरू करने वाला हूँ। तो मेक श्योर अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हैं तो खुद से भी चीज़ एनालाइज करें, और जो मैं ट्रेड दे रहा हूँ उसको भी एनालाइज करें, ताकि आपको भी एक ओवरऑल व्यू मिल पाए। अगर आप हमारे सिस्टम को लर्न करना चाहते हैं कैसे हम बाय सेल जनरेट करते हैं, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, उसमें जाके आप चीज़ों को सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, आप चाहते हैं कि मैं इसे और वीडियो बनाऊं, तो मुझे हेल्प करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन प्रेस करें अगर आप मेरे कोई भी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते, शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आपको कोई भी डाउट है मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर मैंशन करके बताएँ। थैंक यू।